एक न कही भी थी, भैया आपने आज तक क्या संदेश दिया है? ऐसा संदेश बताता हूं मैंने क्या दिया है। मेरे से पहले लाइव आके किसी ने किसी की मदद करी थी, ये शुरुआत मन ने करी थी 2016 में, और 2016 में मन ये शुरुआत करी। उसी शुरुआत के बाद आज आप देखोगे हर एक गांव में ट्रस्ट बना हुआ है, हर एक गांव में टीम बनी हुई है, हर जिले में बनी हुई है, हर शहर में बनी हुई है। दुनिया लाइवा मदद कर रहे है, दुनिया लाइवा एक दूसरे की पोस्ट गे रहे है, चाहे मेरा को दुश्मन हो, चाहे मेरा को विपक्षी हो, चाहे मेरा को साथी हो, चाहे मेरे तक को कटता हो, सब मेरे आइडिया को कॉपी कर रहे हैं ना। यही जागरूकता होती है। मेरे से पहले तो भाई किसी ने दिखावा नहीं करया, जिन्होंने मेरे पे उंगलियां उठाई, यो तो बेइज्जती करे हूं ऑनलाइन चंदा लिए फलाना करे, उनने भी वो फॉर्मूला अपनाया। जब मैं बेइज्जती करता हूं तो आप लोग इन चीजों को क्यों आजमाते हो? दूसरी बात ये, गरीब आदमी जो होता है उसकी मदद होनी चाहिए। आप चाहे चोर के लाओ, डाका मार के लाओ, चाहे आपकी तेते भी ले रहे हो, हमारा मकसद है गरीब आदमी की मदद करना। दूसरी बात, इससे दूसरा जातिवाद की बातें, जातिवाद से रिलेटेड को बातें मैं कहीं कहता हुआ सुनाई नहीं दूंगा। आज तक मैंने किसी जाति का अपमान नहीं किया है, किसी को नीचा नहीं दिखाया है। भाई ये ही जागरूकता लाना चाहते हैं मेरे भाइयों के अंदर। जब हम कहीं भी किसी की मदद करने के लिए जाते हैं, वहां 100, 200, 300 भाई इकट्ठे होकर आगे पाते हैं खड़े हुए, यही तो जागरूकता लेने की कोशिश है भाई। जागरूकता यही तो होती है, जागरूकता धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं। और जिस दिन मेरे पीछे 2000-4000 आदमी लठ ठानिया न्यू खड़े हो गए, जो तेरे बस की है वो कर, तेरी गैल खुल कह है, उस दिन मेरे भाई नेताओं की, मंत्रियों की, इन सरकारों की औकात भी दिखा दूंगा। इनकी औकात कितनी है, मूसड़ा देगा क्यों कर काम करवाया जाकर। ना मरण तो डरता, ना कट्टन तो डरता, ना बुराई शर लेने तो डरता, ना गाल खाने तो डरता, ना जूत खाने तो डरता। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि समाज सेवी आदमी को गाड़ियां भी मिलती हैं, तालियां भी मिलती हैं, जूत भी मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं, ये जीवन का हिस्सा है। मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो कुछ भी सारी चीजें सिर्फ सेवा के लिए ही चलाता हूँ, सेवा के भाव से चलाता हूँ, सेवा की चीजें डालता हूँ। उससे अलग मैं डालता भी नहीं, मैं पसंद भी नहीं करता कि उससे अलग आप लोग मेरे से जुड़ो। मैं सिर्फ उन्हीं भाइयों को जोड़ना चाहता हूँ जिनके अंदर थोड़ी बहुत भावना इन चीजों को लेके हो कि हम ना आगे आने वाले भविष्य में समाज के लिए कुछ करना है। तो भाई और कैसे बदलते समाज, ये बता दो। अरे चिकारा ने मानता हूं मैं गिनी चुनी मदद करी होंगी, लेकिन जिन्होंने मेरा फॉर्मूला अपनाया, कितने हजारों गरीब परिवारों की मदद होली होगी, ये आइडिया आजमा के देखो। काम हमेशा आइडिया से होता है। जो धीरू भाई अंबानी था वो किसी के घर कमाने नहीं जाता था, उसका तो नाम ही तो था और उसके तरीके थे, उसके तरीके से उसके पास हजारों आदमी नौकरियां करते थे। वही तरीका विरासत में अपने बच्चों को दे गया। आज उनकी फर्म के साथ लाखों आदमी, करोड़ों आदमी जुड़े हुए हैं। सिर्फ आइडिया ही तो काम करता है। हमारा काम है देश के लिए अच्छी अच्छी आइडिया देना। हमारा काम है मेरे यूथ के लिए, युवाओं के लिए। एक बात बता दो, क्या आज तक किसी वीडियो में मैंने ये कहा है भाई आप लोग नशा करो, चोरी करो, जारी करो? स्पोर्ट्स पर्सन हूं, लेकिन मैंने बनाए मन ने देख कर मेरे जानकार हम 200 ने कॉपी करया। मैं चलो किसी का बन गया, किसी का नहीं बने ऐप्स, लेकिन उन्होंने कोशिश करी, अपना शरीर तो सुधारा ना। सेम ऐसे ही मैं किसी प्रकार के कपड़े पहनता हूं, जूते पहनता हूं, लोग मेरे ते पूछें, लोग मैंने कॉपी कर रहे हैं या अपना प्यार दिखावे हैं या मेरे को इतनी इज्जत दे हैं, इसी हिसाब की। भाई साहब कहीं ना कहीं मैं कोई बुरा काम तो नहीं करता, अच्छाई की तो कॉपी कर रहे हैं। एक दूसरे से अच्छा सीखने और सिखाने के लिए ही सोशल मीडिया है। मैंने हर चीज का गलत का खुल के विरोध कराया है। क्या किसी में हिम्मत है भाई? और को किसी दूसरे की लड़ाई में अपना सिर फटवाने के बीच में डालता हूं, मैं डालना गिर हूं। मेरे भी बालक है, मेरे भी परिवार में, फिर भी दुश्मनाई मोल किस लिए लेता हूँ? समाज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुधरेगा। अरे ये कुछ होया रहे कुत्ते बिल्ली, इन शुरू ते लेकर आज तक भूकण ते न्यारा के देखो काम नहीं करया, एक भी काम नहीं करया इनने। इनका तो काम है भाई, इनको तो इग्नोर करना चाहिए,
ये अपने आप ने तो बताऊ सब समाज के सब आदमी सब पंचायती बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिना गाड़ी ये बात नहीं करते सोशल।